नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। मैं स्वागत करता हूं आपका हैकिंग बिगिंस के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए हैक करते हैं। वेल दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और ये हमारी सीरीज की फिफ्थ वीडियो होगी। और अभी तक अगर आपने पहली वीडियोज नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सबसे पहले वो वीडियोज देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने YouTube सेटअप को कर रहा हूँ अपग्रेड, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ आपकी एक सजेशन। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्या मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो कि जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है, या आप फेस टाइम वीडियोज भी देखना चाहते हैं। इट मीन्स कि आप फेस के साथ वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मुझे इसके बारे में जरूर बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो विदाउट एनी डिले गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना फिफ्थ पार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको पिछली वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको इफ एल्स एल एफ के बारे में बता चुका हूं, और आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं नेस्टेड इफ के बारे में। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। यहां पर इसे समझने के लिए दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप जब जीमेल पे लॉगिन करते हैं, अज्यूम कीजिए मैं यहां पर जीमेल पे लॉगिन कर रहा हूं, अज्यूम कीजिए यहां पर मैं अपनी ईमेल आईडी भर रहा हूं हैकिंग बिगिंस ऑफिशियल। तो देखिए, मेरा जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल सही है, और मेरी ईमेल आईडी सही होने के कारण मुझे यहां पर प्रॉम्प्ट आया पासवर्ड का। अब एज्यूम कीजिए यहां पर मैं वापस जाता हूं और यहां पर एक रैंडम ईमेल आईडी दे देता हूं जो कि है इनवैलिड, और अगर मैं यहां पर करता हूं नेक्स्ट तो मेरे पास यहां पर एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, एक एरर मैसेज आ जाएगा कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो फाइंड नहीं हो पाया है। तो गाइज, कुछ इसी तरह की कंडीशंस जो हैं हम वहां पर मैच करवा सकते हैं। नेस्टेड इफ की अगर मैं बात करूं तो आप इफ स्टेटमेंट में ही एक और इफ स्टेटमेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए हम चलते हैं अपने पाइथन शेल पर, और यहां पर सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा ईमेल जो कि है, अज्यूम कीजिए मैं यहां पर लिखता हूं sahil@hb.com, और यहां पर मैं अपना जो पासवर्ड है वो यहां पर डिफाइन कर देता हूं 123456। आप यहां पर कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने एक सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर पासवर्ड 123456 यहां पर लिख दिया है। अब हम यहां पर लगाते हैं कंडीशन इफ ईमेल इक्वल टू sahil@hb.com colon। अब देखिए, यहां पर मैं एक कंडीशन यहां पर चेक कर रहा हूं। यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो मेरी ईमेल आईडी है वो sahil@hb होनी चाहिए, और अब इसके अंडर मैं एक और इफ की जो स्टेटमेंट है वो यहां पर अप्लाई करूंगा। तो यहां पर दोस्तों, मैं अप्लाई करता हूं एक और इफ स्टेटमेंट, और यहां पर देता हूं पासवर्ड इक्वल टू 123456, और यहां पर फिर से देते हैं कॉलन और हिट करते हैं एंटर। तो यहां पर मेरी कंडीशन ये होगी कि अगर ईमेल और पासवर्ड जो है वो बिल्कुल सही है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए प्रिंट, और प्रिंट क्या होना चाहिए यहां पर, वेलकम प्लस ईमेल। मेरी जो ईमेल है वो यहां पर आ जानी चाहिए। हिट करते हैं यहां पर एंटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ एल्स जब आप यूज करते हैं तो आप प्रिंट के नीचे नहीं लिख सकते, आपको एरर आएगा। आपको यहां पर हिट करना होगा बैक स्पेस, और इसके बाद आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इफ कंडीशन लगा दी है यहां पर। अब मैं लगाऊंगा else condition, और यहां पर print करूंगा okay। तो यहां पर condition ये है कि अगर email जो है और password जो है
वो बिल्कुल सही है, तो जो मुझे प्रॉम्प्ट आना चाहिए, जो प्रिंट होना चाहिए, वो होना चाहिए वेलकम प्लस मेरी ईमेल आईडी। अगर ये गलत हो जाता है, अगर पासवर्ड मेरा गलत हो जाता है यहां पर, तो यहां पर मुझे मैसेज आ जाना चाहिए रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं एक कंडीशन मैंने यहां पर बना दी है, और अगर मैं यहां पर एंटर करूंगा तो स्टिल मुझे फिर से एरर आएगा, क्योंकि अगर आप इफ यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको एल्स भी देना होगा। यहां पर एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि एक सिंपल वे से, अगर मैंने इफ एल्स दिया है तो एक बार मुझे इफ के साथ एल्स देना पड़ेगा। अब देखिए, ये एक कंडीशन मैंने यहां पर मैच करवाई है यहां पर, अब यहां पर मैं करवाऊंगा दूसरी कंडीशन। अब मैं फिर से लिखता हूं एल्स, यहां पर मैं करता हूं प्रिंट, यहां पर मैं लिखता हूं कि अगर यूजर नेम जो मेरा ईमेल आईडी है वो अगर गलत मैं लिखता हूं तो प्रिंट क्या होना चाहिए, चेक योर ईमेल। आप यहां पर देख सकते हैं प्रोग्राम मैंने बना दिया है, यहां पर करते हैं एंटर, फिर करते हैं एंटर, और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो मैसेज है वो आ गया है, और ये है वेलकम साहिल @hb.com, क्योंकि जो ईमेल और पासवर्ड है दोनों मैच हो रहे हैं। अब एज्यूम कीजिए, अगर मैं इसे फिर से कॉपी कर दूं, और यहां पर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट, ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस कंडीशन को एक बार फिर से लिख दिया है। बट अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं साहिल को हटाकर लिखूंगा महाजन। देखिए, ईमेल तो मैंने साहिल ही डिफाइन की है, महाजन जो ईमेल आईडी है वो एक इनवैलिड ईमेल आईडी है, तो देखिए हमें यहां पर कौन सा एरर दिखाई देता है। तो यहां पर मैं इसे करता हूं एंटर, ओके, आई थिंक मैंने यहां पर ओके, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहां पर एंटर करते हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं जो एरर मैसेज अब आया है मेरे पास वो आया है चेक योर ईमेल। और अगर यही चीज मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, जैसे कि आप देख सकते हैं पासवर्ड जो है मेरा वो है 123456, और यहां पर मैं अगर इसे करूं 12 या मैं लिख दूं 998877, जो कि मेरा गलत पासवर्ड है, और अगर अब मैं करूंगा एंटर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है रॉन्ग पासवर्ड। तो यहां पर पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि इफ एल्स नेस्टेड इफ एल इफ हम कहां पर यूज करते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस भी आप एक बार रेफर कीजिए अगर यहां पर आपको समझने में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हुई है, और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।